हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हम सोचते हैं रसीली सब्जी क्या बनाएं, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मूली के चिप्स की एकदम आसान और सिंपल रसीली सब्जी। आप इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। आइए ये आसान सी रेसिपी बनाने का तरीका जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मूली की गड्डी ली है और इसमें से ये मैंने दो मूलियाँ काट कर अलग कर ली है। मूली को पील करेंगे, इसे आप खुरच के भी ले सकते हैं। अब इसके चिप्स काटेंगे। मूली के मैंने चिप्स काट लिए हैं। आइए अब इसकी सब्जी बना लेते हैं। गैस की फ्लेम पर मैंने कुकर रख दिया है और इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डालें, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है ये भी इसमें ऐड करें, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दें, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, बस इसे मिक्स कर लें। मसाला भुन गया है, अब इसमें मूली के चिप्स ऐड करें, इसी तरह से फ्राई कर लें। मूली को मैंने एक मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से ढककर छोड़ दें। ढक्कन हटाएं, आधा चम्मच के करीब नमक इसमें ऐड करें, नमक डालकर इसे मिक्स करें, थोड़ा पानी इसमें ऐड करें। पानी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। बस अब इसका ढक्कन लगा दें, फ्लेम हाई कर दें और इसमें एक सीटी आने का वेट करें। एक सीटी आ गई है, फ्लेम को लो कर दें और उसे एक मिनट तक और कुक करें। एक मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसकी स्टीम रिलीज होने का वेट करेंगे। ये देखिए, कुकर की स्टीम रिलीज हो गई है, अब इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए, मूली के चिप्स एकदम गल गए हैं। थोड़े से चिप्स को इस तरह से मैश कर दें जिससे कि सब्जी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। इसको मिक्स कर दें। एक बार मैंने फिर से फ्लेम ऑन कर दी है। एक चम्मच या स्वाद अनुसार लेमन जूस इसमें ऐड करें, इसको मिक्स कर दें और ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ करें और इसे बॉल में निकाल लें। दोस्तों, तो देखा ना आपने कितनी आसानी से ये मूली के चिप्स की सब्जी बनकर तैयार है। विंटर्स में आप इसे पूरी पराठा के साथ एंजॉय करें, थोड़ा हरा धनिया से इसे गार्निश करें। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।